मेरा नाम है आरके श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टारगेट इलेक्ट्रिशियंस। दोस्तों अगला चैप्टर सोल्डरिंग और प्रतिरोध के नियम के अंतर्गत दोस्तों सोल्डरिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों सोल्डरिंग किन्हीं दो धातुओं को, दो धातु के तारों को या किन्हीं दो दो धातु तारों को जोड़ने के काम में जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों ये एक ये तार हो गया, एक तार ये हो गया, चाहे ये तांबा का हो, चाहे दोस्तों ये तांबा हो, ये भी तांबा हो, या ये लोहा हो, या ये तांबा हो, कोई भी धातु हो दोस्तों, इन दोनों धातुओं को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जिसमें सोल्डर का जो सोल्डर होता है उसका गलनांक जो होता है वो इस तार के या इस तार के गलनांक से कम होना चाहिए। कि मतलब ये हुआ दोस्तों कि सोल्डर का टेम्परेचर कम हो, कम ही टेम्परेचर पर सोल्डर पिघल जाए और उस टेम्परेचर पर ये तांबा या ये लोहा पिघले ना, वो ये दोस्तों होता है सोल्डरिंग। उसके बाद दोस्तों होता है सोल्डर। ये दोस्तों हम सोल्डर की बात करें तो सोल्डर जो होता है दोस्तों वो टिन एवं सीसा, टिन प्लस सीसा का मिश्रण होता है दोस्तों। ये टिन और सीसा का मिश्रण होता है जो एक अनुपात में मिलाया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। सोल्डर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये जो होता है ये सोल्डर जो होता है दोस्तों ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है, एक होता दोस्तों नरम, और नंबर दो ये पहला होता है नरम और दूसरा होता है वो होता है दोस्तों कठोर। पहला दोस्तों होता है नरम, दूसरा होता है कठोर। तो दोस्तों ये सोल्डर जो होता है वो विद्युत कार्यों के लिए प्रयोग में आता है। ये जो सोल्डर होता है ये विद्युत कार्य के लिए, विद्युत कार्य में ये प्रयोग में आता है। दोस्तों सोल्डर की अगर हम सारणी बनाएं तो सोल्डर के प्रकार, सोल्डर के प्रकार की यदि हम बात करें दोस्तों चार प्रकार के दोस्तों सोल्डर होते हैं। पहला होता है दोस्तों उत्तम सोल्डर। इसमें दोस्तों जो इसमें जो टिन होता है, टिन 60% प्लस जो सीसा होता है दोस्तों वो 40% का होता है, और इसका गलनांक जो होता है दोस्तों वो 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघल जाता है। उत्तम सोल्डर में दोस्तों टिन 60%, सीसा 40% और इसका गलनांक 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये दोस्तों प्रयोग अगर इसकी हम बात करें, प्रयोग जो होता है इसका रेडियो, टीवी, उसके बाद दोस्तों मतलब मेन चीज है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, वस्तुओं के काम में उत्तम सोल्डर का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों। ये पहला होता है दोस्तों उत्तम सोल्डर। उसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरे सोल्डर के नाम बात करें तो नरम, नरम सोल्डर। नरम सोल्डर की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो 50 जो वो होता है टिन, टिन जो होता है वो दोस्तों 50% होता है प्लस जो सीसा होता है वो भी 50% होता है, और इसका जो दोस्तों होता है गलनांक वो दोस्तों 205 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका।
और ये दोस्तों विद्युत कार्य के लिए प्रयोग होता है, यह जो होता है विद्युत कार्य, विद्युत कार्य में प्रयोग होता है, विद्युत कार्य में प्रयोग होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों होता है घटिया सोल्डर या निम्न, निम्न या घटिया सोल्डर, ये दोस्तों नरम सोल्डर, ये निम्न एवं घटिया सोल्डर। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें टिन जो होता है, टिन 40% प्लस जो होता है सीसा 60%, और इसका गलनांक, गलनांक जो होता है वो दोस्तों 230 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। ये ट्रेड कार्यों के लिए सीट मेटल, जो सीटें होती हैं लोहे की या और भी चीजों के, कई चीजों की सीटें होती हैं, ये सीट मेटल ट्रेड में, ट्रेड के कार्यों में इसका उपयोग होता है, प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों निम्न एवं घटिया सोल्डर। उसके बाद दोस्तों अंतिम में आता है कठोर, जो चौथा दोस्तों होता है दोस्तों कठोर, कठोर जो सोल्डर होता है दोस्तों, कठोर सोल्डर में जो टिन होता है वो दोस्तों 33% होता है प्लस सीसा, सीसा जो होता है दोस्तों वो 66% होता है। उसके बाद दोस्तों प्लस 1% जो होता है वो एंटीमनी होता है, एंटीमनी 1% होता है दोस्तों, और इसका गलनांक जो होता है, जो इसका गलनांक होता है दोस्तों वो 243 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका प्लम्बर कार्य जो होता है, इसका प्लम्बर का, प्लम्बर कार्य, प्लम्बर कार्य में ये इसका प्रयोग होता है। उसके बाद दोस्तों सोल्डर की आवश्यकता, सोल्डरिंग की आवश्यकता, दोस्तों सोल्डरिंग की जो आवश्यकता है क्यों पड़ी, वो बिजली के तारों को जोड़कर, जोड़कर एक बनाने के लिए, मतलब दो बिजली के तार हैं, इन दोनों तारों को जोड़ दें जिससे ये पूरी सप्लाई के लिए ये यूज हो सके, और इसमें जो इसकी यांत्रिकता है, मतलब इसमें जो इनके जो जोड़ में, जोड़ की जो क्वालिटी है वो 95% से 100% हो, और बिजली की सुचालकता, विद्युत की विद्युत की सुचालकता जो हो दोस्तों वो 100% करने के लिए दोस्तों हम सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्लक्स की यदि हम बात करें, फ्लक्स या इसको पेस्ट भी कहते हैं जो यूज करते हैं, ये क्या होता है दोस्तों, जब हम मान लीजिए ये लोहा, ये तांबा है, ये तांबे का तार होता है, मान लीजिए ये तांबा तार है, इस तार को मान लीजिए ये लोहा है या तांबा है, इसको भी मान लेते हैं तांबा, इन दोनों तारों को हमको जोड़ना है सोल्डरिंग से, तो क्या होता है दोस्तों, इसको अगर हम गर्म करते हैं, मान लीजिए सोल्डरिंग आयरन से गर्म करें या किसी चीज से भी गर्म करें, तो इसके ऊपर वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद होता है, जिससे इसके ऊपर, इस तार के ऊपर ऑक्साइड, सफेद कलर का, सफेद ऑक्साइड इसके ऊपर जमा हो जाता है, और वो ऑक्साइड सोल्डर को इनके बीच में, इन दोनों को जोड़ने के लिए, इनके बीच में
अच्छे से पकड़ नहीं बना पाता है सोल्डर। तो उस सफ़ेद ऑक्साइड को दूर करने के लिए हम फ्लक्स का या पेस्ट का हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों फ्लक्स और पेस्ट का उपयोग केवल इसलिए किया जाता है कि जो वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो उस तार पर गर्म होने के बाद उसका सफ़ेद रंग का ऑक्साइड बना देता है, और उस ऑक्साइड को दूर करने के लिए ही हम फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है रजिस्टर। रजिस्टर एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, यह एक स्थिर मान का प्रतिरोध होता है, और यह किसी सर्किट में विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए करंट नियंत्रण के लिए इसका उपयोग हम करते हैं रजिस्टर। तो दोस्तों आज के चैप्टर में बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार।